क्या नाम है? स्नेहा कुशवाहा। एक्चुअली सर मैं झांसी भी अटेंड करने गई थी और सर से मिली थी, लेकिन ये था कि यहाँ नहीं आएंगे। जैसे मैंने देखा 6 बजे कि 6:17 पे देखा था ललन टॉप वाले यहाँ पे, दीदी को तुरंत रेडी करके जस्ट अभी भागे भागे आ रहे हैं कि सर करती हैं आप? मैं एक्चुअली अभी तो BA कर रही हूँ एंड देन LLB की तैयारी करने आ गई। साहिबा बनेगी? हाँ बेशक। तहसील भी गया था और तहसील में लोगों ने बड़ी शिकायत की कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। तो कल को आप वकील बनेंगी, इसको रोकने के लिए कुछ करने वाली हैं? बेशक करने वाले। मैंने वकीलों से वहाँ पूछा, उन्होंने कहा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि हम लोग अगर मान लीजिए कुछ क्रांति करने चलेंगे तो हमारे घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सर ये बात बहुत सही बात है, क्योंकि क्या होता है अगर गरीब आदमी जा रहा है तो वो ये सोचते हैं अगर उसके पक्ष में एक गरीब है और दूसरा अमीर है तो फिर ये देखेंगे पैसा किससे ज़्यादा मिलना है। अगर हम सही होते हुए भी गरीब हैं देन पैसा जो देगा वो, सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा वो सही माना जाता है, रियलिटी ये है। और सेकेंड घूस चलती है, वो टेबल के नीचे से आप दीजिए, आप अपने हक में फैसला कर रहे हो। अगर आप टेबल के नीचे से नहीं देंगे देन आप सही होते हुए भी रॉन्ग प्रूफ किए जाएंगे, ये रियलिटी है सर। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, लड़कियों के महोबा में क्या मुद्दे हैं? सर मेनली जो मुद्दा है वो सेफ्टी को लेकर के है। एक्चुअली सेफ्टी को लेकर है क्योंकि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा क्लेम जो सरकार का रहता है, प्रदेश सरकार का, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही रहता है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरा जो, सर मैं बता रही हूँ, मेरा जो पर्सनली ड्रीम था, मैं रिपोर्टर की फील्ड में जाना चाहती थी, बट जो फैमिली वाले थे तो उनको ये फील्ड सेफ नहीं लगता। मेन चीज़ है अगर आप ऑफिस में रह करके कर रहे हैं देन ओके, लेकिन अगर आप फील्ड वर्क करें, जैसे आप नाइट में यहाँ पे आए हुए हैं, आपको इतना क्राउड ने कवर किया हुआ है, एक लड़की अगर इस प्लेस में होगी देन वो कभी सेफ हो ही नहीं सकती। हम लोग तो ठीक है, चलिए एक चीज़ है, फ्रेंक माहौल है, इतना मॉडर्नशिप हो रही है, बट पेरेंट्स को ये समझाना बहुत मुश्किल है। मम्मी सीधा बोलती हैं कि अगर आप इस फील्ड में करेंगी या जाएंगी देन एट लास्ट, कहीं ना कहीं कई रिपोर्टर्स को देखा हुआ है, जब जेंट्स रिपोर्टर के साथ ऐसा होता है, किसी को मार दिया जाता है, फिर लेडीज कैसे सेफ हो सकती हैं? आप सरकार को जिम्मेदार मानती हैं कि जो हमारे साथी संबंधी खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, या जनता है उसको जिम्मेदार मानती हैं? बहुत आर इक्वली इसके लिए हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मैं हर एक लड़के को गलत नहीं कह रही हूँ, रियलिटी भी यही है, हर कोई गलत नहीं होता, बट बात क्या पड़ जाती है कि जहाँ एक लड़की के निकलने की बात आती है तो समाज सबसे पहले। अब मैं यही जीन्स टी शर्ट पहने हुए हूँ, जस्ट अगर थोड़ा सा भी और शॉर्ट पहना होता, कोई भी बदतमीजी कर देता तो ब्लेम क्या किया जाता, लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़के की इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, लड़की को किया जाएगा। देन सिर्फ ठीक है ये हो गया, लेकिन चार लोग जो होंगे, लड़की को पता है उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, किसी ने देखा सब बोलेंगे ऐसे कपड़े पहने की, तो यही तो होगा ना। और सरकार का क्या, आप ये तो बताइए। लोगों के लिए है जरूरी है सब लोग वैसे हों, पर सोसाइटी कलेक्टिव, अगर कलेक्टिव तौर पर देखें तो ऐसा सोचा जाता है। हाँ, वो हमारे देखने का नजरिया होता है। और दूसरी बात, सरकार, सर आप खुद ही देख लीजिए, रेप जैसे ऐसे केसेस होते हैं, अगर सरकार इतने हार्ड स्टेप उठाए, नॉर्मली माफ कर दिया जाता, उम्र कैद कर दी जाती, आज के टाइम पे ही उनको कहा जाए तो फांसी की सजा हुई। हम कह रहे हैं ऐसे 4-5 को आप लटका दीजिए, छठे की हिम्मत नहीं होगी किसी को टच कर जाए या आंख उठा के देख जाए, लेकिन अब उनको ही छोड़ दिया जाता तो 4 की हिम्मत और बढ़ती है। मैं पेपर डेली पढ़ती हूँ, कोई भी दिन सर मेरा ऐसा नहीं जाता, या सब पढ़ते हैं कि जिस दिन किसी लड़की के साथ ऐसा कोई केस ना हुआ, शायद ही इन रेयर केस, जिस दिन सर पेपर देख लेना, दिल को इतनी खुशी होती है कि हाँ आज हम जैसा या हमारे जैसा कोई इस सब दुर्घटना से बच गया, बहुत रिलैक्स फील होता है। क्या होना क्या चाहिए सर? मेन चीज़ है कि एक तो शांत हो जाइए भाई सब लोग, एक चीज ये है कि लोगों की तो देखिए इतनी मुश्किल से, आप लोग इतनी देर से सब लड़के बात कर रहे थे, पहली लड़की आई है, उसको वक्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ आप लोग इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग घूमते भी हैं, लड़के इतना ज्यादा मतलब आतंक मचाए रहते हैं कि लड़कियां हिम्मत ही नहीं कर पाती। मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि इस भीड़ में ये आकर हमसे बात कर रही हैं, तो उनको मौका दीजिए। थैंक यू सर, एक्चुअली मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं घर से बाहर निकलिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर एक लड़की निकल रही है, मैं घर से निकली देन ये नहीं था लड़का है, मम्मी जा रहे हैं, पहले मम्मी से पूछा, फिर भाई से परमिशन लिया, फिर भी अकेले आने का वो नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं घर वाले भेज सकते, फिर दीदी को रेडी करा, देन दीदी ने हाँ बोला, हाँ फिर दीदी के साथ यहाँ आने की परमिशन मिली, आप सोच लीजिए।
यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, आप कैमरा घुमा करके चारों तरफ देख लीजिए, आपको शायद ही कोई एक लड़की मिल जाएगी। रीज़न क्या है, सेफ्टी को लेकर के ही इशू है। सर सेफ्टी नहीं मानूंगी, फ्रेंकनेस माहौल भी नहीं यहाँ पे इतना मिल पाता है। लोगों की सोच सर बहुत ज़्यादा, मैं सबके नहीं बोलूँगी, मेन डाउन क्लास। हाँ सरकार ने रियल में काम किया है सर, बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, सफाई सफाई व्यवस्था बहुत। सोच कैसे बदलेगी, कब बदलेगी सर? मेन इशू है जैसे मैम ने कहा कि हैंगिंग करना चाहिए, हैंगिंग डेथ टू हैंगिंग, बट मुझे लगता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए कि अगर सॉल्यूशन है जो मेंटल साइकोलॉजी है, जो समाज हमारा जो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव है, जो नैरो माइंडेड है, उसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। और उसका एक मीडियम मुझे लगता है एजुकेशन बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है, जिसके साथ साथ आप एक अवेयरनेस के लिए आप काम कर सकते हैं।